उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मुताबिक हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों के संकलन से जुड़ी किताबों के लोकार्पण के मौके पर नायडू ने देश में हिंदी के महत्व के बारे में बताया। मैंने बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं, हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया मैंने उसी पर। जब बाद में दिल्ली आया तब मुझे समझ में आया हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है। आखिरकार बुलंदशहर हत्याकांड का आरोपी जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी को सेना ने यूपीएसटीएफ को हैंडओवर कर दिया है। अब यूपीएसटीएफ जीतू फौजी को लेकर बुलंदशहर जाएगी और जिस पिस्तौल से जीतू पर इंस्पेक्टर सुबोध को मारने का आरोप लगा है वहां से उस पिस्तौल को बरामद करने की कोशिश करेगी। पुलिस का दावा है कि घटना के दिन जीतू फौजी वहां मौजूद था, जिसके बाद यूपी पुलिस जीतू की गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर गई थी, जहां से सेना उसे अपने साथ मेरठ लाई और पूछताछ के बाद यूपीएसटीएफ को सौंप दिया गया। पुलिस को उम्मीद है कि जीतू की गिरफ्तारी के बाद अब बुलंदशहर कांड में कई अहम सबूत मिलेंगे। जो बुलंदशहर की घटना हुई थी उसमें जो नामजद अभियुक्त है जितेंद्र मलिक, ये आर्मी द्वारा यूपीएसटीएफ की टीम को आज मेरठ में अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे कुछ प्राइमरी पूछताछ की गई है और इसको अब लोकल बुलंदशहर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको यहाँ से बुलंदशहर रवाना कर दिया है। मेरे को कुछ नहीं पता इस मामले में। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, जांच में क्या निकल कर आ रहा है? क्या जीतू ही वही शख्स है जिसने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर गोली चलाई थी? बिल्कुल फरा, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि जितेश मलिक और जीतू फौजी ने ही इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और उसका वीडियो भी सेना के पास भी था और एसटीएफ के पास भी था और एसटीएफ ने बाकायदा सेना को वो वीडियो दिखाया और अपने सबूत पेश किए, जिसके बाद देर रात मेरठ यूनिट की जो सेना है उन्होंने यूपीएसटीएफ को जितेश मलिक को सौंप दिया और वो लेकर बुलंदशहर के लिए रवाना हो चुके हैं और बुलंदशहर में उस घटनास्थल पर ले जाएंगे जितेश को, जहाँ पर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी, और उस पिस्टल को बरामद करने की कोशिश की जाएगी जो कहा जा रहा है कि जीतू फौजी के पास है और उसी पिस्टल से सुबोध की हत्या हुई थी। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो आरोपी है जितेश वो पुलिस के सिकंजे में और पहले ही बुलंदशहर की सीजीएम कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है, लिहाजा वो घटनास्थल पर ले जाकर और कई स्थानों पर पूछताछ के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी पुलिस और वहां से वो जेल भेजा जाएगा। अब कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि क्या जितेश मलिक के बयान पर और कई लोगों पर सिकंजा कस सकता है जो इस घटना के मास्टरमाइंड है और जो लोग इस घटना में शामिल थे। हालांकि अभी जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, सुदीप शेखर और उपेंद्र राघव अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन अब जितेश के बयान के आधार पर कई सारे तथ्य जो है जो वो खुलासे हो जाएंगे। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जो जितेंद्र है इनके भाई धर्मेंद्र, उनका कहना है कि जो उनका भाई है उन्हें बिना वजह फंसाया गया है और उनके पास सबूत है जो ये दिखाता है कि वो बेगुनाह है और वो जल्द से जल्द यूपी पुलिस के सामने उसको पेश करेंगे, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, उनके भाई धर्मेंद्र, उनकी पत्नी प्रियंका, दोनों की तरफ से ये बयान कल ही आ चुका है कि उनका पति और भाई निर्दोष है और वो घटना के वक्त वहां नहीं थे, लेकिन वीडियो इस बात का पर्याप्त सबूत है और इस बात की गवाही है कि वो वहां मौजूद था जिसमें गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसकी तस्वीर साफ तौर पर सामने आ गई और पुलिस के पास लोकेशन है, कई सारी चीजें कॉल डिटेल्स है, उसको लेकर पुलिस ने सेना को अपनी बातें बताई थी और पहले ही सेना की तरफ से कहा गया था कि पर्याप्त सबूत पुलिस प्रस्तुत करेगी तब हम अपने जवान को हैंडओवर करेंगे और सबूतों के बाद अब पुलिस को एसटीएफ को सौंप दिया है सेना ने। तो जाहिर तौर पर कि पुलिस के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर जांच होगी, किसी के कहने या उनके पत्नी और भाई के बयान से अब जीतू बच नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका।
बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी जीतू की पत्नी ने पति को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। जीतू की पत्नी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि जो वीडियो पुलिस दिखा रही है उसमें उसके पति नहीं है। 3 तारीख में मेरे पति की छुट्टी खत्म हो रही थी, वो गौ कसी के मामले में मेरे पति को फंसाया जा रहा है। उस दिन रात को पुलिस मेरे गेट तोड़ के मेरे घर में बढ़ी, मेरे घर की तोड़ फोड़ करी। कहाँ थे उस दिन? वो मेरे साथ थे, हम शानी मार्केट में गए थे।